हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागालैंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, कैसे फिल कर लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इसका एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा, इसका एडमिट कार्ड कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका मेरिट लिस्ट कभी रिलीज़ होगा, काउंसलिंग राउंड कभी स्टार्ट होगा, सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है नागालैंड बीएससी नर्सिंग 2021 और आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको नागालैंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है iaspaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आप आईएएस पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको मिलेगा नागालैंड बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस, सारी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट और इवेंट जो होते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इवेंट के बारे में और टेंटेटिव डेट दिया हुआ, उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया है उसे फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डाल देना। उसके बाद आपको कौन से स्टेट से, आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना, आप जो भी करंट सिटी में रहते हैं उस सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी, उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा उसे सेलेक्ट कर लेना। 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर पीजी, आपका जो भी रहेगा उसे क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो नागालैंड बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपके जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, टेंटेटिव डेट जो है, इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है आपको यहाँ से मिल जाएगा, अवेलेबल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कभी आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा इसका, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सबमिशन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कभी वहाँ पे दिया हुआ है आपको, अवेलेबल एडमिट कार्ड, इसका एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, 5th डेट बिफोर द एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 5th डे बिफोर एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को आपको यहाँ पे दिया हुआ अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का भी आएगा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के 5 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा, कमीशन ऑफ काउंसलिंग राउंड का भी होगा यहाँ पे, विल बी अपडेट द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे अपडेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बीएससी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल कैसे करना है आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, अप्लाई ईयर ऑनलाइन, ऑनलाइन यहाँ पे आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपको एसएससी का मार्कशीट चाहिए, आपका 10th का मार्कशीट पासिंग पार्क पे, आपका एचएससी मतलब 12th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, बीएससी नर्सिंग का चाहिए, उससे पहले अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तो इसे सिंपली कट कर देना। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको भर देना है, क्योंकि आपका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर के ही थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको इसे फिल कर लेना। उसके बाद इस उसे कट करके आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स लगेगा, आपका स्कैनर्ड इमेज, आपको इमेज सिग्नेचर जो है स्कैन करके आपको लगेगा, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ यू नीडेड, आपको नीडेड कैटेगरी सर्टिफिकेट की तो आपको पे करना, सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। फी पेमेंट मिलते हुए आपको दिया हुआ ऑनलाइन आपका फ़ी पेमेंट रहेगा, तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा आपको, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का अप्लाई करने का, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप ऑनलाइन मोड रहेगा, यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन दिए, आपको विजिट करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसे आप विजिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डाल के लॉगिन कर देना है, लाइक आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको
लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड के वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल आपको फिल कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लॉगिन डिटेल। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है। वहाँ पे आपको सस्ते आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको आपको इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसे फिल कर लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसे फिल कर लेना है। इंस्ट्रक्शन में आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल कर लेना है, आपका कोर्स रिलेटेड डिटेल आपको फिल कर लेना है, आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल सभी डिटेल आपको अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो है आपको उसका फ़ी जो पेमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका फ़ी पेमेंट जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी पेमेंट जो होता है वो ड्यू डेट से पहले आपको फिल कर देना। अगर आप इन्फॉर्मेशन बिफोर ड्यू डेट आपको ड्यू डेट से पहले ही सबमिट करना है, उसके पहले आपका रिजेक्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी कितना है आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अभी तक मेंशन नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको पता चलेगा रेफरेंस। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आपको ऑफिशियल अथराइज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेंशन होएगा आपको एप्लीकेशन फ़ी। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड रहेगा, तो ऑनलाइन मोड आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग बैंक UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप नागालैंड BSc नर्सिंग के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहना चाहिए, SSC एंड HSC, मतलब आपका 10th और 12th शुड बी कम्प्लीट, आपका दोनों कम्प्लीट रहना चाहिए 10th और 12th। मैंडेटरी सब्जेक्ट आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शुड बी कम्प्लीट सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाई एग्जाम आपका कम्प्लीट रहना चाहिए। एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द इंग्लिश आपको इंग्लिश जो है कंपलसरी रहेगा 12th में 12th इंसर्ट एग्जाम पे। अपेयरिंग अप्लीकेंट एंड जो भी अप्लीकेंट अपेयरिंग कर रहा है मतलब जो इस साल भी दे रहा है एलिजिबल टू अप्लाई, जो इस साल भी अपर 12th दे रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम दे के अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्वालिफाइड मार्क्स आपको क्वालिफाइड मार्क्स कितना रहना चाहिए, एप्लीकेशन वो बिलोंग द जनरल कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका मिनिमम 50% मतलब 50% मार्क्स रहना चाहिए क्वालिफाइड एग्जाम। और रिजर्व कैटेगरी के लिए स्कोर शुड बी मोर देन 40%, आपका 40% से ऊपर मार्क्स रहना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ से जाके देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी पब्लिश द इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। एप्लीकेशन एक्सपायर द टाइम लिमिट सॉल्व आपको टाइम लिमिट मिलेगा, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गेट आपको एक्स्ट्रा टाइम में ही मिलेगा। तो जितना टाइम आपको दिया गया है उतने टाइम में ही आपको पेपर जितना टाइम आपको दिया गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको उसी टाइम में आपको पेपर सॉल्व कर लेना है। ऑफलाइन मोड से आपका पेपर होगा तो आपको पेन पेपर बेसिस टेस्ट रहेगा आपको, तो आपको रिटर्न टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा नेट टू रेसेंस। आपको सिलेबस क्या रहेगा अगर आप सिलेबस यहाँ पे नोट वर तो थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट आपका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसको सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड मतलब हॉल टिकट होता है, हॉल टिकट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल अपना डालना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। विजिट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के विजिट कर सकते हैं। वहाँ से जाके फिर अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। एप्लीकेंट विल बी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल लाइक नेम एड्रेस रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम डेट टाइम। आपको एडमिट कार्ड जो है उस पर अपना चेक कर लेना है, इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन है आपका नेम एड्रेस रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेना है डेट टाइम। फॉलो द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन कीप द एडमिट कार्ड सेफली, आपको सेफली अच्छी तरीके से रख देना है। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट डिवेलपमेंट होता है। आपका हॉल टिकट जो होता है एडमिट कार्ड उसे के बिना आपको एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने नहीं दिया जाएगा, तो उसे आपको लेके जाना ही है एग्ज़ाम के टाइम पे। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम रिजल्ट अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है ऑनलाइन मोड आएगा, इसका रिजल्ट जो है ऑनलाइन मोड आएगा, तो आफ्टर विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। विजिट करने के बाद आपको अपना एंटर रोल नंबर आपको वहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ से रिजल्ट चेक करने के बाद आपको रिजल्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हाई स्कोर
मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में विल बी कैंसिल द काउंसलिंग सीजन आफ्टर द ऑनर्स। जिसका हाई स्कोर आया है, जिसका ज़्यादा मार्क्स आया है, उसका कैंसिल हो जाएगा काउंसलिंग राउंड, उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे काउंसलिंग राउंड मतलब जिसको कम आया उसका काउंसलिंग राउंड होगा। नागालैंड बेस्ड काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको काउंसलिंग सीजन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम है विद द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन करी द सबमिशन सम रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट जो रहेगा उसे रिक्वेस्ट करना है। यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड रहेगा, जो भी नीडेड रहेगा अटैच कॉपी करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। एंड कम्प्लीट द वेरीफिकेशन प्रोसेसर, आपका वेरीफिकेशन प्रोसेसर रहेगा। ऑफिशियल अथराइज विल बी प्रोवाइड एडमिशन एलिजिबल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। आपको कौन कौन सा डिटेल लेके जाना है। सबमिशन डेट टाइम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग के सबमिटेड डेट पे आपको कौन कौन सा आपका रिजल्ट लेके जाना है, जो भी रिजल्ट है वो लेके जाना। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो लेके जाना। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिए थे आपको एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको आपको लेके जाना है। फिर HSC का मार्कशीट लेना है, SSC का मतलब 10th का आपका जो मार्कशीट है वो लेना था, HSC 12th का आपका मार्कशीट। इनकम सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट वो लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, नीडेड है आपको कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद TC आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना है। वो लेके जाके आप नागालैंड बेसिक नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं 2021 में। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको इसी पेज में सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म डेट एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस। सारी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी। एग्ज़ाम जो इवेंट होते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से जाकर भर सकते हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप फिल कर सकते हैं। इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं नागालैंड बीएससी नर्सिंग को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।